नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ड्रीम मीनिंग गुरु जी 1.0 में। आज हम डिटेल में कवर करेंगे WAR वर्सेस ROY टीमों के बीच में जो बायजूस पोंडिचेरी T10 का मैच नंबर 46 खेला जाएगा उसके बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे कौन सा बैट्समैन, कौन सा ऑलराउंडर और कौन सा बॉलर आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक बनेगी, किन किन प्लेयरों को आप सी और VC के रूप में ट्राई करके चल सकते हो, ऐसे कौन से प्लेयर होंगे जो आज के इस मैच में आपके लिए स्मॉल लीग में एक बेस्ट पिक बनेगी, और किन किन प्लेयरों को आप मेगा कॉन्टेस्ट GL में एज ए ट्रंप पिक यूज करके चल सकते हो। तो संपूर्ण एनालिसिस मिलेगा आपको इस वीडियो में, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी हमारी फाइनल टीम रहेगी, जो फाइनल अपडेट रहेगी, वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल के दो लिंक मिल जाएंगे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ब्लू कलर के लिंक रहेंगे, सिंपली आप वहां पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और साथ साथ जो भी हमारी फाइनल स्मॉल लीग और मेगा कॉन्टेस्ट GL की टीमें होंगी, वो भी आपको हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा गाइज, तो जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब आते हैं गाइज एनालिसिस सेक्शन में। तो दोस्तों, इस मैच का वेन्यू रहेगा क्रिकेट एसोसिएशन पोंडिचेरी में, यह मुकाबला खेला जाएगा। आज दोपहर 2 बजे ये मुकाबला स्टार्ट होगा। अगर दोस्तों बात की जाए पिच रिपोर्ट की, तो ओवरऑल यहाँ का विकेट वो एक बैलेंस विकेट एक्सेप्ट किया गया है। साथ साथ देखो तो इस वेन्यू के ऊपर पेसर गेंदबाजों को भी काफ़ी अच्छी मदद मिलती है। वहीं इस वेन्यू के फर्स्ट इनिंग के ओवर स्कोर की बात की जाए, तो 110 व 120 के अराउंड आप अपना ओवर स्कोर है वो एक्सेप्ट करके चल सकते हो। इसी के अंडर आपको ओवर स्कोर है वो बनता हुआ नजर आ जाएगा। बाकी इस वेन्यू की जो भी प्रेस पिच रिपोर्ट होगी वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं क्या रहेगी WAR की पॉसिबल प्लेइंग 11। तो उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना गाइज, केवल 50 लाइक का टारगेट रखा है, आई होप आप जल्दी ही कंप्लीट कर दोगे। और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना, ताकि हम जो भी नेक्स्ट वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल जाए। अब बात कर लेते हैं क्या रहेगी WAR की पॉसिबल प्लेइंग 11। तो इस टीम की तरफ से आपको थमजीन है वो ओपन कराते हुए नजर आ जाएंगे। लास्ट मुकाबले बैटिंग में 11 रन आए, एक ओवर की बॉलिंग डाली, एक दो विकेट निकाल के दिए। सेकंड लास्ट मुकाबले बैटिंग में 15 रन बनाए, दो ओवर की बॉलिंग डालते हुए एक विकेट निकाल के दिए। ओवरेज पिकअप कर रहेगी जरूर से अपनी टीम में कवर करके चला। वहीं बात की जाए यश जाधव की, लास्ट के 3 मुकाबलों में देखो तो बुरी तरह से फ्लॉप चले, लेकिन उससे पहले देखो एक मुकाबले में 47 रन, एक मुकाबले में 30 रन और एक मुकाबले में 54 रन भी बना के आ रहे। तो इंपॉर्टेंट पिक रहेगी आपके लिए, जरूर से अपनी टीम में कवर करके चला। वहीं बात की जाए पार्सल रत्ना पारखी की, तो लास्ट मुकाबले 2 मुकाबलों में देखो तो बैटिंग में बुरी तरह से फ्लॉप चले, बॉलिंग ये डाल नहीं रहे। थर्ड लास्ट मुकाबले में 36 रन बैटिंग के साथ किए, दो ओवर की बॉलिंग डाली, एक विकेट निकाल के दिया। फोर्थ लास्ट मुकाबले में फिर से फ्लॉप रहे थे, लेकिन GL में एक ट्रंप कार्ड पिक आपके लिए रहेगी। GL वगैरह के कॉम्बिनेशन में आप जरूर से CVC ट्राई करके जरूर दो। प्रेमराज राजा वैल्यू की बात की जाए, तो लास्ट के दोनों मुकाबलों में देखो तो फॉर्म काफी ठीक ठाक चल रही है इनकी, 25 रन 27 रन करवा के दिए। उससे पहले भी फॉर्म इनकी काफी लाजवाब रही थी, इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए रहेगी, जरूर से अपनी टीम में कवर करके चला। वहीं बात की जाए सौरभ यादव की, तो लास्ट मुकाबले में नंबर 5 पे बैटिंग करने के लिए बैटिंग में 21 रन आए, दो ओवर की बॉलिंग डाली, एक विकेट निकाल के दिया। सेकंड लास्ट मुकाबले में बैटिंग में 1 रन आए, दो ओवर की बॉलिंग डाली, एक विकेट निकाल के दिया। थर्ड लास्ट मुकाबले में बैटिंग में 6 रन आए, दो ओवर की बॉलिंग डालते हुए 2 विकेट निकाल के दिए। तो सौरभ यादव आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, जरूर से अपनी टीम में कवर करके चला। प्रभु बी को आप सीधा सीधा ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, सेल्वम अम को भी आप सीधा सीधा ड्रॉप करके चला। बैटिंग ऑर्डर दोनों का नीचे रहेगा, फॉर्म भी इतनी अच्छी खासी नहीं चली है, उस कंडीशन में दोनों प्लेयर को आप सीधा सीधा ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। संता मूर्ति की बात की जाए, तो लास्ट मुकाबले बैटिंग में 7 रन आए, दो ओवर की बॉलिंग डालते हुए 2 विकेट निकाला। सेकंड लास्ट मुकाबले में 1 विकेट और थर्ड लास्ट मुकाबले में भी 1 विकेट इन्होंने निकाल के दिया। उससे पहले देखो तो 3 मुकाबलों में 2-2 विकेट निकाल के दे चुके और 1 मुकाबले में 1 विकेट निकाल के दिए। तो इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, GL वगैरह के कॉम्बिनेशन में आप जरूर से CVC ट्राई करके दस्त हो। मैक पांडे की बात की जाए, तो लास्ट मुकाबले में 2 ओवर की बॉलिंग डाली, सफलता नहीं मिली। सेकंड लास्ट मुकाबले में 1 विकेट और थर्ड लास्ट मुकाबले में 2 विकेट, उससे पहले भी 2 मुकाबलों में 2-2 विकेट और 2 मुकाबलों में 1-1 विकेट मैक पांडे निकाल के दे चुके। इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, जरूर से अपनी टीम में कवर करके। सत्य कुमार को आप सीधा सीधा ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। वैभव सिंह की बात की जाए, तो लास्ट मुकाबले में 2 विकेट, थर्ड लास्ट सेकंड लास्ट मुकाबले में देखो तो 2 ओवर की बॉलिंग डालते हुए 3 विकेट निकाले। उससे पहले भी प्रदर्शन ठीक ठाक इनका रहा है, तो वैभव सिंह आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, जरूर से अपनी टीम में कवर करके चला। बाकी इस टीम की तरफ से बेंचेज में जो भी अपडेट आएगी गाइज, वो मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल के दो लिंक मिल जाएंगे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जल्दी से जाकर गाइज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। अगर दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो केवल 50 लाइक का टारगेट है, आई होप आप जल्दी कंप्लीट
कंप्लीट कर दोगे, साथ साथ जो भी हमारी फाइनल टीम रहेगी, जो फाइनल अपडेट रहेगी, वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो जल्दी से जाके आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें ना दोस्तों। अब बात कर लेते हैं क्या रहेगी आरओवाई की पॉसिबल प्लेइंग 11। तो इस टीम की तरफ से आपको रघुपति है वो ओपन कराते हुए नजर आ जाएंगे। लास्ट मुकाबले में देखो तो 89 रन की काफी लाजवाब नाबाद इनिंग खेली, उससे पहले चार मुकाबले में बुरी तरह से फ्लॉप रहे थे, उससे पहले भी इनिंग इन्होंने काफी लाजवाब खेल की दी। तो इंपॉर्टेंट पिकअप के लिए रहेगी, जरूर से अपनी टीम में कवर करके आप सीवीसी ट्राई करके चल सकते हो। प्रियम आशीष की बात की जाए तो लास्ट मुकाबले में 12 रन, सेकंड लास्ट मुकाबले में 64 रन, थर्ड लास्ट मुकाबले में 39 रन की इनिंग खेली, इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। फॉर्म ठीक ठाक चली इनके लिए तो जरूर से अपनी टीम में कवर करके जाए। लोगेश की बात की जाए तो लास्ट के चार मुकाबले में बुरी तरह से फ्लॉप चले, लेकिन उससे पहले प्रदर्शन देखो तो एक और ऐसा प्रदर्शन करवा के दिए, तो आपके लिए एक और ऐसी पिक रहेगी। चाहो तो अपनी टीम में कवर करके चल सकते हो, बाकी आप जीएल वगैरह में जरूर से अपनी टीम में कवर करके चलाए। अरविंद राज की बात की जाए, लास्ट मुकाबले में नंबर चार पे बैटिंग करने के लिए 18 रन बैटिंग के साथ किए, दो ओवर की बॉलिंग डाली, एक विकेट निकाल के दिया। सेकंड लास्ट मुकाबले में बैटिंग में 19 रन बनाए, दो ओवर की बॉलिंग डालते हुए दो विकेट निकाल के दिए। उससे पहले भी देखो तो तीन विकेट, दो मुकाबलों में दो दो विकेट, एक एक विकेट लगभग हर मैच में निकाल के दे रहे हैं। तो अरविंद राजन आपके लिए एक सेफ सीवीसी की चॉइस रहेगी, जरूर से अपनी टीम में कवर करके कैप्टन वाइस कैप्टन आप ट्राई करके चल सकते हो। सुंदरन पी को आप सीधा सीधा ड्रॉप करके चला। दुर्गाकर की बात की जाए तो लास्ट मुकाबले में दो ओवर की बॉलिंग डाली, सफलता नहीं मिली, उससे पहले भी देखो सफलता नहीं मिली, तो एक रिस्क की पिक रही, बैटिंग ऑर्डर नीचे रहेगा तो आप सीधा ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। साबिर शक्तिवेला की बात की जाए तो लास्ट के दो मुकाबलों में देखो तो विकेट लेस रहे हैं, उससे पहले एक मुकाबले में तीन विकेट, एक मुकाबले में दो विकेट और तीन मुकाबलों में एक एक विकेट ये निकाल के दे चुके हैं। इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए रहेगी, जरूर से अपनी टीम में कवर करके जीएल वगैरह के कॉम्बिनेशन में आप सीवीसी ट्राई करके चल सकते हो। मुर्गन पी की बात की जाए तो कभी कभार देखो तो ये आपको एक ओवर की बॉलिंग डाल के देंगे, कभी दो ओवर की बॉलिंग डाल के देंगे। लास्ट मुकाबले में दो ओवर की बॉलिंग डाली, दो विकेट, सेकंड लास्ट मुकाबले में दो ओवर की बॉलिंग डाली, एक विकेट, उससे पहले भी देखो तो तीन मुकाबलों में एक एक विकेट निकाल के दे चुके। तो मुर्गन पी आपके लिए एक और ऐसी पिक रहेगी, चाहो तो अपनी टीम में जरूर से कवर करके चल सकते हो। नीतीश ठाकुर की बात की जाए तो लास्ट मुकाबले में विकेटलेस, सेकंड लास्ट मुकाबले में विकेटलेस, लेकिन उससे पहले देखोगे तो दो मुकाबलों में एक एक विकेट और दो मुकाबलों में फिर से एक एक विकेट और एक मुकाबले में दो विकेट भी निकाल के दे चुके। तो नीतीश ठाकुर आपके लिए ओवरेज पिक रहेगी, जरूर से ट्राई करके चलते हो। जनार्थन को आप सीधा सीधा ड्रॉप करके चला। प्रदीप रंजन को भी आप सीधा सीधा ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, दोनों पिक आपके लिए रिस्की रहेगी। बाकी इस टीम की तरफ से बेंचेज में जो भी अपडेट आएगा वो मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल के दो लिंक मिल जाएंगे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो जल्दी से जाके गाइस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ला। यह तो हो गया दोनों टीमों का स्टेट वाइज एनालिसिस। अब बात कर लेते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस और क्या रहेगी आज की हमारी ड्रीम 11 की डेमो टीम गाइज। सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइज विकेट कीपिंग सेक्शन में आर रघुपति लास्ट मैच में देखो तो 89 रन की नाबाद इनिंग खेल के आ रहे, इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। सीधा सीधा आप अपनी टीम में कवर करके जाओ तो सीवीसी भी ट्राई करके चल सकते हो। यस अश्विनी जाधव की बात की जाए तो ये आपको ओपन कराते हुए नजर आ जाएंगे, फॉर्म ठीक ठाक चलिए और इस पिक रहेगी, जरूर से अपनी टीम में कवर करके चल सकते हो। पी सुंदर को आप सीधा सीधा ड्रॉप करके चला। बैटिंग ऑर्डर में बात की जाए तो गाइज पी लोगेश फॉर्म ठीक ठाक चल रही है और इस पिक रहेगी, चाहो तो अपनी टीम में कवर करके चल सकते हो, बाकी आप जीएल वगैरह में जरूर से ट्राई करके चला। सेल्वम हम सीधा सीधा ड्रॉप करके चलना गाइस। आर प्रेमराज की बात की जाए तो ओवरेज पिक रहेगी, जरूर से अपनी टीम में कवर करके चल सकते हो गाइस। बाकी बैटिंग ऑर्डर में देखो तो आपको अच्छी पिक नहीं मिलेगी, उस कंडीशन में आप पी लोगेश हो गया, आर प्रेमराज हो गया, दोनों को कवर करके चल सकते हो। पी आर प्रियम आशीष भी आपको नंबर थ्री पे बैटिंग कराते हुए नजर आ जाएंगे, फॉर्म इतनी अच्छी खासी नहीं चली, एक ओवरेज पिक रहेगी तीनों की तीनों प्लेयर, तो तीनों प्लेयर को आप अपनी टीम में कवर करके चल सकते हो। बाकी नीचे की सभी पिकें आपके लिए रिस्की रहने वाली, तो सीधा सीधा आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। बाकी बैटिंग ऑर्डर में आपको इतनी अच्छी खासी पिक नहीं मिलेगी गाइज। ऑलराउंडर सेक्शन में देखो तो जीन आपको ओपन करा के देंगे, साथ साथ बॉलिंग डाल के देंगे, तो जीएल वगैरह के और समोलिक के दोनों कॉम्बिनेशन में आप चाहो तो ट्राई करके चल सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए मैं अपनी टीम से ड्रॉप करके चलाऊंगा। मैं बात की जाए अरविंद राजन की, इंपॉर्टेंट एवं एक सेफ सीवीसी की चॉइस रहेगी, सीधा सीधा अपनी टीम में कवर करके कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चलाऊंगा। पार्स रत्ना पारखी की बात की जाए तो लास्ट मुकाबले में दो रन आए, सेकंड लास्ट मुकाबले में नौ रन आए, लास्ट के दोनों मुकाबलों में देखो तो बॉलिंग ये डाल नहीं रही है, लेकिन इस मैच में इनके बॉलिंग डालने के चांसेस काफी हाई रहेंगे, तो इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। इनकी जो चोट लगी थी वो ऑलमोस्ट ठीक हो गई है, तो ये आपको कंप्लीट दो ओवर की बॉलिंग डाल के देंगे इस मैच में। तो जीएल में एक ट्रंप कार्ड पिक आपके लिए रहेगी, तो जीएल वगैरह के कॉम्बिनेशन में आप जरूर से सीवीसी ट्राई करके चल सकते हो। प्रदीप रंजन को आप सीधा सीधा ड्रॉप करके चलाएं। साबिर शक्तिवेला की बात की जाए इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए रहेगी, सीधा सीधा आप अपनी टीम में कवर करके चलाएं। संता मूर्ति की फॉर्म काफी लाजवाब चली, इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए रहने वाली, तो जरूर से अपनी टीम में आप कवर करके चल सकते हो गाइज। बॉलिंग सेक्शन में बात की जाए एस कुमार रिस्की पिक रहेगी, सीधा सीधा ड्रॉप करके चलाएं। मैक पांडे लास्ट के दो मुकाबलों में देखो
तो एक मुकाबले में 2 विकेट, एक मुकाबले में विकेट लेस रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, जरूर से अपनी टीम में कवर करके चलाए। एंड जनार्थन को आप सीधा सीधा ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। ये वही बात की जाए नीतीश ठाकुर की ओवरेज पिक रहेगी, चाहो तो अपनी टीम में जरूर से कवर करके चल सकते हो। पी मुर्गन आपके लिए जीएल में एक ट्रंप कार्ड पिक रहेगी, तो जीएल वगैरह के और स्मॉलिक के दोनों कॉम्बिनेशन में आप चाहो तो ट्राई करके चल सकते हो। सौरभ यादव की फॉर्म काफी लाजवाब चल रही है, आपको नंबर 5 पे बैटिंग करवा के देंगे, साथ साथ कंप्लीट 2 ओवर की बॉलिंग डाल के देंगे। इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए रहेगी गाइस, तो जरूर से अपनी टीम में कवर करके चलाए। वही बात की जाए वैभव सिंह की, तो ये आपको कंप्लीट 2 ओवर की बॉलिंग डाल के देंगे, लास्ट मुकाबले में 2 विकेट निकाले, सेकंड लास्ट मुकाबले में 3 विकेट निकाले। इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए रहेगी, जरूर से अपनी टीम में कवर करके चलाए। बाकी नीचे की सभी पिक आपके लिए रिस्की रहने वाली, तो सीधा सीधा आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो गाइज। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए, उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल के 2 लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो फाइनल टीम होगी, जो फाइनल अपडेट होगी, वो आपको हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो इंपॉर्टेंट रहेगा गाइज आपके लिए, तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कर लेते हैं गाइज। कैप्टन है फिलहाल के लिए देखो तो अरविंद राजन आपके लिए एक सेफ सीवीसी की चॉइस रहेगी, बैटिंग और बॉलिंग दोनों करवा के देंगे, तो जरूर से अपनी टीम में कवर करके चलाए। संता मूर्ति आपके लिए बेस्ट वीसी की चॉइस रहेगी इस मैच में, तो संता मूर्ति को आप वीसी ट्राई करके चल सकते हो। स्मॉलिक और ग्रानली के दोनों कॉम्बिनेशन में इस प्लेयर को आप सीवीसी ट्राई करके चलना गाइज, आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। साबिर शक्ति वेला हो गया और पार्स रत्ना पार्क है, दोनों में जीएल में इंपॉर्टेंट पिक रहेगी सीवीसी की, तो दोनों को आप जीएल वगैरह के कॉम्बिनेशन में सीवीसी ट्राई करके चलाए। रघुपति की बात की जाए तो लास्ट मैच में काफी लाजवाब फॉर्म में थे, 89 रन की काफी लाजवाब नाबाद इनिंग खेली, तो स्मॉलिक और ग्रानली के दोनों कॉम्बिनेशन में चाहो तो आप रघुपति को अभी अपनी टीम में सीवीसी ट्राई करके चल सकते हो गाइज, आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। टीम प्रीव्यू की बात की जाए तो गाइज देखो तो ये हमारी फाइनल टीम नहीं है, ओनली एक डेमो टीम है। जो फाइनल टीम होगी वो आफ्टर टॉस के बाद आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, और टेलीग्राम चैनल के 2 लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जल्दी से जाके गाइज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। अगर दोस्तों आपको हमारा स्टेट एनालिसिस अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।